क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जल के बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस तरह रिएक्ट करा उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड अभी तक मैं जितनी भी मिस्टेक कर रहा था वो सारी जलकर खत्म हो गई है। अच्छा है, अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटल टफ इंसान की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर फैक्ट तो यह है कि शुरुआत से ही कोई भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकल स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती है जो कि एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और आज इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल एक नौता ऐसा पक्षी होता है जो कि 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो उन पंजों से कोई शिकार आसानी से कर पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते और इतने लचीले भी नहीं रहते, और तो और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है, और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वो बहुत ही पेनफुल चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की जिंदगी में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है, और इस प्रोसेस के लिए उस ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है, और वहां उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकलकर नीचे ना गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद एक ईगल फिर नए चोंच के उगने का इंतजार करती है। जब नई चोंच उग जाती है तो उस तीखी और मजबूत चोंच से फिर वो अपने पंजे उखाड़ देती है और फिर से अपने नए पंजों के उगने के इंतजार करती है। जब उसके नुकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं तो फिर वो अपने पंजों से पुराने मोटे पंख भी नोच लेती है ताकि नए और हल्के पंख उग पाए। और फाइनली इन दर्द भर 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की नई उड़ान भरती है एंड अपनी नई जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करती है, मतलब सर्वाइवल के लिए। और जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और याद रखो कि जब बारिश होती है ना तो सारे पक्षी तो बचने का कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर एक लौता ईगल ऐसा पक्षी होता है जो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को एम्ब्रेस करता है, उससे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजर कर खुद को मजबूत बनाता है, चेंज से घबराता नहीं है। दूसरी हैबिट है एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको ऐसा कोई काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा टाइम, पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया हो और बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो कि काश तब आप उस काम को मना कर देते तो शायद आप अपने बाकी के इम्पोर्टेंट काम अच्छी तरह कम्प्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज, मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको पता होता है उसे किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस, उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये बहुत अच्छी तरीके से पता होता है, मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है। अब तीसरी हैबिट है द पावर ऑफ सेक्रीफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेक्रीफाइस बिल्ड्स रेजिलेंस, रेजिलेंस बिल्ड्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर एंड पावर बिल्ड्स पर्पस। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन और छोले भटूरे जैसी डिशेज कितनी ज्यादा पसंद थी। पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि मटन रोल और बटर चिकन तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है। और दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो सेक्रीफाइस पूरे एडिक्शन का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सेक्रीफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटते।
चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर से मिस्टेक। अगर आपको लगता है कि इलोन मस्क ऐसे आदमी है कि जो अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रखकर बनाते हैं, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेसएक्स के प्लान के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था दैट आई वॉन्ट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव फेलियर्स। अगर आप इसे ध्यान से समझो तो इसका ये थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो ये है कि आप फेलियर्स के लिए भी उतने ही ओपन और रेडी रहो। अब पांचवी हैबिट है सेल्फ लव। एक बार ऑफिस में मुझे एक लड़का दिखा जो कि फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था और उसके फेस पर अलग सा ग्लो था। मुझे लगा शायद एक न्यू ज्वाइनर होगा जिसे हाल ही में कॉलेज कंप्लीट किया है और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू की है। फिर एज यूजुअल मेरा दिन शुरू हुआ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे एक मीटिंग में जाना था। उस मीटिंग में पहले से ही वो लड़का बैठा हुआ था और जब मैंने उसे दोबारा मीटिंग रूम में देखा तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। बट फिर मेरे मैनेजर ने अनाउंसमेंट किया और बताया कि इस मीटिंग के लिए हमने एक गेस्ट को इन्वाइट किया है जो हमें प्रोसेस रिलेटेड एडवाइस देने वाला है, और वो गेस्ट बिजनेस की यूनिट का एक डायरेक्टर है। और पता है कि वो डायरेक्टर कौन था? वही यंग दिखने वाला लड़का। उसके बाद मेरी जब उस डायरेक्टर से बात हुई तो उसने बताया कि वो बिजनेस की बहुत ही क्रिटिकल यूनिट हैंडल कर रहा है और उसका शेड्यूल फुल पैक रहता है, पर वो जब तक अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काम नहीं कर लेता, वो अपने दिन के बाकी काम शुरू ही नहीं करता। फॉर हिम हिज डेज स्टार्ट विद प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव। और दोस्तों, वैसे सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपका सेल्फ स्टीम और मेंटल हेल्थ कई गुना इम्प्रूव हो जाती है, इसलिए मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। तो दोस्तों, ये थी कुछ 5 क्वालिटी जो मेंटली स्ट्रांग में अक्सर देखी जाती है। और अगर आपको भी मेंटली स्ट्रांग बनना हो तो आपको भी अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।